हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टर टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस करते हैं ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पर ट्रेड करें। तो आज हमने निफ्टी में जो मूवमेंट देखा 10,790 के ऊपर, बार बार ये जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया और फिर से हम निचले लेवल पर बंद हुए हैं। तो अगर कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को थोड़ा सा ट्रेंड फिर से डाउन ट्रेंड ही रहना चाहिए टेक्निकली, लेकिन किसी भी कारणवश 10,710 का लेवल, जो मैंने कल भी शेयर किया था, ये लेवल टूटे तो ही हम बड़ी गिरावट देखेंगे। और ये ट्रेंड मे भी थर्सडे को निकल के आए। अगर कल भी 10,800 के नीचे बंद होता है और 10,790 के नीचे बंद होता है तो कंटिन्यूस 3 डे हम इस लेवल को रिस्पेक्ट करके और नीचे और ऊपर मींस नो ट्रेडिंग जोन में अगर क्लोजिंग दे रहे हैं लेकिन 800 के ऊपर नहीं जा रहे हैं और 700 के नीचे नहीं जा रहे हैं, इट्स मींस थर्सडे तक एक बहुत बड़ा ट्रेंड डाउनसाइड या अपसाइड आने के चांसेस है। अब कितना चांसेस है ऊपर जाने का, तो ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता है कि यहां से ऊपर जाने के चांसेज है। फिर भी लेवल रिस्पेक्ट करना है। डेली बेसिस पर जो लेवल आ रहा है और फ्राइडे के जो क्लोजिंग के बेसिस पर जो लेवल है, उसको दोनों को मैच करके हमें पोजीशन को देखना है। अब रही बात कि कल का क्या लेवल रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, उसकी कंप्लीट पहले स्टडी करते हैं। वोलेटिलिटी के बेस पे जो निफ्टी का लेवल रहने वाला है कल 10,770, ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का लेवल है। और यहाँ पे फ्लैट, एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग हुई है लेकिन किसी भी कारणवश 10,790 के ऊपर बंद हो या मूवमेंट आए तो बाई एक्चुअली अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। तो 10,790 के ऊपर जाए तो भी आपको बाई नहीं करना है, रेजिस्टेंस का वॉच करना है। वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 10,866 मैक्सिमम एक्सटेंडेड टारगेट यहां आता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें। लेकिन अगर किसी भी कारणवश 10,710 के आसपास आए तो ये एक तरीके के सपोर्ट जोन है। तो सेम रेंज निकल के आया है, कल वाला ही लेवल है, लेकिन अब इसमें इस लेवल पे कितना क्रूशल है, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी कारणवश जिस तरीके से 10,730 का लेवल ब्रेक किया था, टच किया था, लो बनाया था, इस लेवल को ब्रेक करे तो 10,710 और 10,690 तक जा सकते हैं। तो कल मुझे नहीं लगता है कि 700 के लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन किसी भी कारणवश 10,730 का लेवल टूटे तो हम 20 पॉइंट के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। टूटे क्लोजिंग और वहाँ पे थोड़ा सा कैंडलस्टिक चार्ट पे भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन वैसे 10,755 का लेवल टूटे तो 10,730 के टारगेट के लिए बिल्कुल सेल किया जा सकता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा 10,750 का स्टॉप लॉस लगा करके, जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसी का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड किया जा सकता है 10,710 के टारगेट के लिए। सेम सिनेरियो, ऊपर अगर मूवमेंट आता है 10,830 के आसपास जाए तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है 10,870, यहाँ पे 30 पॉइंट का एक बैरियर होगा, जो वहाँ से दूसरा लॉट सेल करके दोबारा से नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल सकते हैं। मींस अगर किसी भी कारणवश 10,830 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 10,870 तक जाएगा, तो वहाँ पे दूसरा लॉट सेल करके एवरेज करके आप शॉर्ट पोजीशन से निकल सकते हैं। तो और 10,830 के लेवल पे आप सेल करते हैं तो वहाँ से दोबारा 10,750 तक आने के दोबारा से चांसेज होंगे। तो अब यहाँ पे कौन से स्टॉक पे तेजी या मंदी देखी जा सकती है, उसके बेसिस पे निफ्टी का ट्रेंड रहने वाला है। तो निफ्टी में आज हमने देखा रिलायंस पे, जो मेरा व्यू था कि 19 को जो टॉप बनेगा, ऑलमोस्ट टॉप बन जाएगा। एक बार उसने दोबारा कोशिश किया था हाई बनाने का, लेकिन जिस तरीके से मेरी कल का जो व्यू था कि 1998 का लेवल टूटेगा तो हम 978 और 80 तक देख सकते हैं। तो सेम हमने रिलायंस में एक मंदी देखा और रिलायंस ने मार्केट को नीचे की तरफ मूव किया। एक बार 970 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी भी कारणवश कल रिलायंस में अगर फर्स्ट हाफ में अगर वहां बॉटम बनता है तो उसमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिस कारण से बैंक निफ्टी का भी वहां पे बॉटम बन जाएगा उस टाइम।
960 के आसपास, और फिर से रिबाउंड आएगा, वो रिबाउंड फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो वहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया है निफ्टी को, उस लेवल पे आकर के शॉर्ट को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर 960 का लेवल बन चुका है। तो ये रहा निफ्टी पे एनालिसिस। एक्चुअली इस हफ्ते में नो ट्रेडिंग जोन में ही निफ्टी है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला है। शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड, दोनों साइड में ही पैसा रिस्की जोन है जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना दिया। ट्रेंड रिवर्सल 700 का लेवल टूटे तो ही हम एक गिरावट का उम्मीद देखेंगे। 700 का लेवल इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे। तो वैसे 10,790 का लेवल टूटा है, रिस्की ट्रेडर यहाँ से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को, जिसका टारगेट 10,343 का होगा इस हफ्ते या नेक्स्ट मंडे तक, ट्यूजडे तक आने के चांसेस है। लेकिन 980 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो ये रहा हमारा निफ्टी पे एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है, लॉन्ग कवरिंग देखा गया है इसमें, और मैक्सिमम स्टॉक में एक तरीके से कोई ऐसा स्टॉक है, कोई वो स्टॉक सपोर्ट पे आ चुका है, जैसे ICICI बैंक 380-84 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक्सिस बैंक 510 और 503 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन HDFC बैंक रेजिस्टेंस पे आ गया है। अगर HDFC बैंक में एक भारी गिरावट होगी तो बहुत बड़ी क्रैक देखा जा सकता है, और ये गिरावट हो सकता है थर्सडे की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के सेशन में हम बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे का एक बहुत बड़ा लेवल देख सकते हैं। वो डिपेंडेंट होता है HDFC बैंक पे किस तरीके का ट्रेंड निकल के आएगा। तो 2110 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है HDFC बैंक। अगर वो मैक्सिमम 2140 तक अगर HDFC बैंक जाए तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन फिर से बाद में लेवल ब्रेक करेगा और HDFC बैंक को वहाँ उस लेवल पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है 2120-30 के आसपास। फिर भी और वहाँ पे उस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाए 2600-700 के ऊपर, तो 26,700 के ऊपर जाए तो 26,800 और 26,930 कल का लेवल जो रहेगा 26,760 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, टारगेट फोर जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। नीचे सेम जो सपोर्ट होगा 26,441, तो कल का जो लेवल होगा 26,441 के आसपास आए, वहाँ पे HDFC बैंक का एनालिसिस के बेसिस पे हम अगर HDFC बैंक वहाँ पे बॉटम बना रहा हो, मींस 2160-70 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, या एक्सिस बैंक का 503 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ बॉटम बन रहा हो बैंकों में, और अब बैंक निफ्टी का भी बॉटम बन लेवल चल रहा हो मार्केट आवर में 26,441, तो यहाँ से एक कल इंट्राडे में बाउंस आने के चांसेस होगा, दोबारा से 26,550 के ब्रेक करेगा, दोबारा से हम बाई जोन में चले जाएंगे, जिसका टारगेट 26,650 के आसपास का होगा। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तो दोबारा से ये अपसाइड का होगा। तो इसकी थोड़ी सी आप इस लेवल के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल जो है ये टारगेट फोर के आसपास से मूव करेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा, सेल अंडरलाइन के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम दोबारा से इस साइड में बाई साइड में आएंगे, और बाई साइड का जो लेवल है अगर ये हाई बनाता है तो और यहाँ से हम फिर से इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम नीचे की तरफ देखते हैं। तो इस तरीके से टारगेट थर्ड, टारगेट टू, कौन से टारगेट से मूव करेगा तो कौन सा टारगेट आएगा, इसका कंप्लीट स्टडी एनालिसिस मैं अपने सॉफ्टवेयर सब्सक्राइबर को देता हूँ, जिसके बेसिस पे आप अच्छे तरीके से स्टॉक पे भी ये मूवमेंट अच्छा काम करता है, तो उसके बेसिस पे आप इसमें ट्रेड करके इंट्राडे भी पैसा बना सकते हैं। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी पे एनालिसिस। तो और स्टॉक पे मैंने डिस्कस कर दिया, रिलायंस में कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जिन लोगों ने मेरे एनालिसिस के बेसिस पे 1020-1030 के आसपास मैंने क्लियरली बोला था कि 1060 का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का टारगेट है, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, जिसको सेल करना है इस लेवल पे सेल करें 30-40 पॉइंट का रिस्क लेकर के, अगर वो जाएगा तो भी हम नीचे के लेवल पे ही आने वाले हैं, तो उतना 30,000 का लॉस वो मेंटली लॉस था, लेकिन
टेक्निकल 1000 के लेवल ब्रेक होने के बाद 1970 का लेवल आना था, जो कि आज के सेशन में हमने 78 का लेवल टच किया है। और भी नीचे जाएंगे तो वो वहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको जरूर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, रिलायंस में दोबारा ऊपर जाए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। तो जो भी गैन टाइम साइकिल एनालिसिस स्टॉक पे 99% एक्यूरेट होता है। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, फिर भी जितने भी स्टॉक की एनालिसिस मैंने किया है उसमें से 10 में से 9 स्टॉक 100% मूव देते हैं, और जो स्टॉक नहीं चलता है उसमें मेंटली एक थोड़ा सा आपको लॉस दिख रहा होगा, लेकिन वो स्टॉक में आपको बाद में उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिले होंगे। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।